डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल क्लासिकल लीडरशिप स्टाइल्स में नंबर टू पर है फर्स्ट वन इज़ ऑटोक्रेटिक और नंबर टू पे डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल है uh, इस लीडरशिप uh, स्टाइल की जो मेन जो थॉट है अंडरपिनिंग जो प्रिंसिपल है वो क्लेम है जिसके तहत कि ये कहा जाता है कि कोई भी लीडर दुनिया में हर चीज़ को नहीं जान सकता कोई एक वर्ते वाहित कोई एक इंसान हर चीज़ का इल्म हर चीज़ की एक्सपर्टीज नहीं रख सकता सो अ लीडर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू नो एवरी थिंग इन दिस स्कूल ऑफ था या इन दिस स्टाइल ऑफ वर्किंग ये ये एक्सेप्टेड uh, होता है कि लीडर को अगर किसी चीज़ का नहीं पता तो वो फिर भी लीडर है इट इज़ नॉर्मल एंड इट इज़ गुड दैट ही और शी वॉन्ट्स टू नो मोर अबाउट द थिंग्स ही ही और इज नॉट अवेयर ऑफ सो इट इज़ कंसिडर्ड अ नॉर्मल थिंग तो इसके तहत फिर जब कुछ इन्फॉर्मेशन लीडर के पास मौजूद है ये भी नहीं कि लीडर को सिरे से किसी चीज़ का इल्म ना हो जो एक सीनियर मोस्ट अगर आप रोल्स पे जाते हैं या एक विजन जब आप डेवलप करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करके आप वो विजन डेवलप करते हैं एक प्लान को उसमें डूज एंड डोंट्स को उसकी एक फोर्स फील्ड एनालिसिस के तहत आप उसकी रेजिस्टेंस फैक्टर्स को उसके फैक्टर्स जो कि उसकी सपोर्ट में जा रहे हैं उन सबको सो यू डू हैव सम काइंड ऑफ गुड यू नो एडवास लेवल ऑफ आइडिया अबाउट योर बिजनेस लेकिन उसमें अगर आपको कुछ सिचुएशन का या कुछ चीज़ का इल्म नहीं है तो वहाँ पर आप अपनी टीम को इन्वॉल्व करना चाहते हैं और आप उनको उनकी ओपिनियन लेते हैं उस ओपिनियन पर रिफ्लेक्ट करते हैं उसकी डिसीजन मेकिंग में उनको शामिल करते हैं और फिर उसके तहत आप एक जॉइंटली भी डिसीजन ले सकते हैं जो कि एक मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स की तरफ से आ रहा है सो तो वो डेमोक्रेटिक होगा अगर आप उनको सिर्फ शामिल participation कर रहे हैं पार्टिसिपेशन उनकी लेकर चल रहे हैं और फाइनल डिसीजन आप खुद ले रहे हैं जो कि हो सकता है वही हो हंड्रेड परसेंट जो कि टीम ने कहा है या हो सकता है वो हो नाइनटी परसेंट सेवेंटी परसेंट जो टीम कह रही है कुछ आप उसमें मॉडिफिकेशन करें तो वो पार्टिसिपेटिव हो जाएगा इन दोनों सूरतों में जो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है समझना वो ये है कि आपके साथ लोग वो हों जो कि नॉलेजेबल हैं और जो कॉम्पिटेंट हैं जो स्किल्ड लोग हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हायर दोज पीपल हु आर नॉलेजेबल एंड हु आर स्किल्ड अगर आपके पास लोग ही वही हैं या अगर आप एक ऐसे ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं या आपने लोगों को उनको एम्प्लॉयमेंट दे दी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि स्किल्ड नहीं है जो एक्सपीरियंस्ड नहीं है जो नॉलेजेबल नहीं है तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आप इस किस्म का एक स्टाइल नहीं अपना सकते बिकॉज उसमें तो फिर अगर आप डिसीजन लेंगे और उनको शामिल करें दे हैव नो आइडिया वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट सो देन द डिसीजन माइट नॉट बी करेक्ट एंड यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल सो इस स्टाइल के लिए नॉलेजेबल होना टीम का और एक्सपीरियंसड होना बहुत ज़रूरी है दिस स्टाइल इंकरेजेस डिसीजन मेकिंग फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑब्वियसली इसमें अब ज़्यादा लोगों की ओपिनियन आ जाती है कहा जाता है एक और एक ग्यारह होते हैं सो so, इसी तरह से जब ओपिनियन में एनरिचमेंट आती है बिकॉज मुख्तलिफ लोगों अपने अपने एक्सपीरियंसिस के बिना पे आपको एक बेहतर एक डिफरेंट परस्पेक्टिव सुनने को मिलते हैं और आप एक बेहतर ओपिनियन ले सकते हैं डिसीजन ले सकते हैं कंसल्टेटिव परसुएसिव आप लोगों की ओपिनियन जब इकट्ठी हो जाए किसी एक पॉइंट पर तो वो उसमें परसुएसिव होने की भी ज़्यादा सलाहियत मौजूद होती है आप टीम को अपने साथ ज़्यादा आसानी से शामिल कर सकते हैं म्यूचुअली बेनिफिशल

सो म्यूचुअल बेनिफिट का होना इस ग्राउंड का होना कि वॉट इज अट फॉर मी आपका काम फिर ये है एज ए लीडर कि आपने वो कम्युनिकेट कैसे किया है वो सारा आपने अपने विजन को उनके साथ शेयर कैसे किया है और उनको सही मैनो में फॉलोअर्स की तरह से अपने साथ शामिल कर लिया है या नहीं कर लिया सो देन इट विल बी ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीपल विल लाइक टू गिव यू द करेक्ट ओपिनियन ऑनेस्ट करेक्ट एंड राइट ओपिनियन दैट्स इम्पोर्टेंट इट हेल्प्स मोटि टू इम्प्रूव मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑब्वियसली जब सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उनमें मोटिवेशनल लेवल बहुत हाई होता है लोग अपनी डिसीजन की ओनरशिप लेते हैं लेकिन इसमें दो पॉइंट्स तीन पॉइंट्स को आप हमेशा जहन में रखें जो कि अगर हैं तो सही हैं ये सब कुछ अच्छे से हो जाएगा अगर नहीं है तो ये सब कुछ मिसहैंडल्ड होगा और हेपेजनेस आ जाएगी इसमें नंबर वन आपके साथ टीम मेंबर्स का मेच्योर होना स्किल्ड होना केपेबल uh, होना बहुत जरूरी है ऑनेस्टी एक कंबाइंड फैक्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिर इसमें टाइम आपके पास होना चाहिए बिकॉज ये एक टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है सो इनफ टाइम शुड बी देयर क्योंकि अगर टाइम नहीं है तो इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट एंड इट कैन डिले द एंटायर प्रोसेस